दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए चार बड़ी भर्तियों की न्यूज लेकर आ गया हूँ। 16/7/2018 की गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट है। अगर आपको डे बाय डे वैकेंसीज की जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल टिप टॉप न्यूज हिंदी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन से सब्सक्राइब कीजिए और बाद में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज की पूरी जानकारी। सबसे पहले आप भारतीय सेना में अवसर मिला है इंडियन आर्मी में। कोर्स का विवरण है 52वां शॉर्ट सर्विस कमीशन टैग मैन 2019 और 23वां शॉर्ट सर्विस कमीशन टैग वोमैन 2019। टोटल 191 पद निकले हैं। क्वालिफिकेशन इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 27 वर्ष के बीच में है। विज्ञापित पदों पर सभी वर्गों के उम्मीदवार निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 9 अगस्त 2018 है। joinindianarmy.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसकी PDF ओपन हो जाएगी। दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आप नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले से इस पर रजिस्टर कर रखा है तो यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा डालना है यहाँ पर और लॉगिन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और भी बहुत सारे पद खाली हैं। 12 कुल पद है। पदों के अनुसार अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। 2 अगस्त 2018 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का पोर्टल upsconline.nic.in है। अधिकतम आयु 35 या 45 वर्ष है। पदों के अनुसार अलग अलग। अनारक्षित वर्ग के लिए ₹25 आवेदन शुल्क है और आरक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क है। ऑनलाइन तरीके से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चयन संस्थान के नियम अनुसार होगा। जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने पहले से पंजीकृत है इस पर तो ऑलरेडी रजिस्टर टैब पर क्लिक करना होगा। अगर आप नया पंजीकरण कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। आवेदन भरने के निर्देश के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और सामान्य तकनीक समस्या हेतु सहायता के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 और 12 यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इनमें से किसी एक पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी हुई है। अप्लाई करने के लिए आपको जैसे कि पद का नाम दिया हुआ है इंस्ट्रूमेशन इंजीनियर और यहाँ पर फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजर। आवेदन करने के लिए इनके सामने आवेदन करें लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यहीं से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बात करें MPWZ असिस्टेंट मैनेजर के पद खाली है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में 16 वैकेंसीज है असिस्टेंट मैनेजर की। मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण व अन्य निर्धारित योग्यताएं हैं। आयु इसमें अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। mpwz.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आवेदन शुल्क देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के लिए ₹800 और अन्य वर्गों के लिए ₹1000 निर्धारित किया गया है। आवेदन प्रक्रिया भी आप देख सकते हैं, संबंधित वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अंतिम तिथि 3 अगस्त 2018 है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहीं से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्लिक लिंक पर क्लिक करके इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें NIIST वॉक इन इंटरव्यू की। कहाँ है, राष्ट्रीय अंतर्विश्वसनीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान में 3 पद खाली है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट GRF प्रोजेक्ट और भी बहुत सारे पद है। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन शास्त्र विषय के साथ MSc की डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम 30 वर्ष आयु है। आवेदन शुल्क निःशुल्क है। ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसका पता है राष्ट्रीय अंतर्विश्वसनीय विज्ञान तथा औद्योगिक संस्थान इंडस्ट्रियल एस्टेट डाकघर पापन कोड 3905019। इस एड्रेस पर आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। इंटरव्यू की तिथि 17 जुलाई 2018 है। वेबसाइट है इसकी niist.res.in। जैसे ही आप नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF हो जाएगी। इसमें से आप पूरी जानकारी रीड कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।